केवट भैया थोड़ा और नाटक किए, भगवान राम के पास पहुंचे और जा करके भगवान के समीप में खड़े हो गए और लगे सर से पांव तक देखने। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या देख क्या रहे हो, बगल में खड़े होकर के क्या देखते हो? कहा, रुके रुके बताता हूं, कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो भाई? सर से पांव तक राम जी को देखा। कहा, अच्छा अब पता चला ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, क्या हुआ? केवट भैया कहते हैं, अब मुझे पता चल गया ये तब से मौन क्यों खड़े थे, क्यों खड़े थे? तो ये उदासीन व्रत वस्त्र पहने हैं, ऐसा तपस्वियों के वेश में हैं, अचला ओढ़े हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, अब कहीं इसमें जेब तो दिखाई नहीं दे रहा है, जेब तो दिख ही नहीं रहा है। कहा, जेब से क्या लेना देना? अरे भाई, पॉकेट रहेगा तब तो उसमें मनी रहेगी। ये सोचते हैं कि केवट मुझे नाव पे चढ़ाएगा, पार करेगा, तो उतराई से क्या दूंगा। अच्छा, इस सोच में पड़े हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं आपको वचन देता हूं, पांव धुलूंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, लेकिन उतराई एक रुपए नहीं लूंगा। जाओ, आपको इससे भी मुक्त कर दिया। कि पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतरा ही चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई। कहा, सरकार आपके, मैं आपसे वचन, आपको वचन देता हूं कि आपको पार करूंगा, लेकिन उतराई एक पैसे नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या गारंटी कि तुम नहीं लोगे? केवट भैया ने कहा, गारंटी, प्रमाण दूं? अच्छा चलो, प्रमाण भी दे देता हूं। केवट भैया कहते हैं कि मोहि राम राउर शरथ शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। केवट भैया ने कहा, सरकार आपको विश्वास नहीं है, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, आपकी शपथ लेकर के कहता हूँ, आपके पिता महाराज दशरथ की शपथ लेकर के कहता हूँ कि आपको, आपके पांव को पखारूंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, उतराई एक पैसे नहीं लूंगा। जब लक्ष्मण जी ने सुना, अच्छा भैया की कसम खाता है, मेरे बाबूजी की कसम खाता है, निकाल लिया बाण, मार दूंगा। कि परु तीर मारे हो लखानु पे, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण जी ने निकाल दिया बाण और कहा, मार दूंगा। केवट भाई ने कहा, बड़ी विडंबना है, एक भाई खड़ा होकर के नाव मांगता, दूसरा भाई कहता मार दूंगा। पहले निश्चित कर लो करना क्या है। लक्ष्मण जी, आप बाण मारना चाहते, मार लो बाण, कोई डर नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन उसमें भी हमारी भलाई ही है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, जब देखो तब कहता है हर प्रकार से इसकी भलाई। कहा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई छिपी हुई है,
इसमें तुम्हारी क्या भलाई? केवट भैया कहते हैं, लक्ष्मण जी भलाई ही भलाई है। सोचिए, विचार करिए, जब आदमी मरने लगता है तो उसके मुख में गंगा जल लोग डालते हैं मुक्ति के लिए, और यहां यहां तो साक्षात गंगा जी प्रवाहित हो रही है। आप जब मुझे बाण मारेंगे तो मैं तुरंत तो मर नहीं जाऊंगा, जैसे आपके बाण लगेंगे जाके गंगा मैया के तट पे गिरूंगा, मुख में गंगा जल अपने आप आ जाएगा। दूसरा, ये प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि लोग मरते समय सोचते हैं कि भगवान का नाम इस जिह्वा पर आ जाए, और यहां यहां तो नाम लेना दूर, यहां तो साक्षात भगवान खड़े हैं। अब विचार करिए, एक तरफ गंगा मैया, एक तरफ साक्षात नारायण खड़े हैं, और बीच में हमारा शव होगा। भगवान को मैं इतना तो जानता ही हूं कि बिना मेरा अंतिम संस्कार किए जाने वाले नहीं है। गंगा मैया का तट, साक्षात नारायण खड़े और बीच में हमारा शव। अब सोचिए, हमसे बड़ा बड़भागी दूसरा कौन होगा? लक्ष्मण जी मौन क्या बोले? लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कहते हैं कि मैं दूसरे को जरूर बुला करके लाऊंगा, अगर तुम नहीं ऐसा कर पहुंचाओगे, मुझे पार करोगे। केवट भैया निश्चिंता पूर्वक कहते हैं कि जा करके दूसरे तीसरे चाहे जिसको मन करे बुला ले, लेकिन यहां कोई आने वाला नहीं है।